नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल शिक्षा में आपका बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेनू यादव। दोस्तों, इस YouTube चैनल के माध्यम से हम आपके और आपके सफलता के बीच का रास्ता छोटा तो नहीं कर सकते, लेकिन सुगम जरूर कर सकते हैं। यानी कि आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से हम उन टॉपिक्स और उन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में जानकारी देते रहेंगे जो कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे, ठीक है। लेकिन आपसे एक अनुरोध भी है कि ये लेक्चर को ध्यान से सुनिए, याद मैं करवा दूंगी, पर इसके पश्चात थोड़ा ज्ञान अर्जित करने के लिए पुस्तक का भी सहारा ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं आर्य समाज के बारे में। आर्य समाज का नाम आपने सुना ही होगा, मुझे उम्मीद है, और आपको ये भी पता होगा कि इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ओके, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। अच्छा, स्वामी दयानंद सरस्वती ना बचपन से ही स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं थे, इनका बचपन का नाम तो मूलशंकर था। अब बचपन का नाम मूलशंकर था तो पहले ये तो पता कर ले कि ये कहाँ पैदा हुए थे। तो 1824 में गुजरात में कठियावाड़ में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनके बारे में इन्होंने क्या उद्देश्य रखे आर्य समाज के, वो सब जानने से पहले एक बात समझ लीजिए कि इनको, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी को ये श्रेय दिया जाता है कि ये पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया। ये पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि विदेशी चीजों का बहिष्कार कीजिए। ये पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने की भी बात कही, ठीक है। चलिए अब इनके बारे में जानते हैं। ये जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना देखने में, उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए लग रहा है क्योंकि राइटिंग गंदी है, तो उस पर ध्यान मत दीजिए, जो मैं बोल रही हूँ वो सुनिएगा। हम बात कर रहे हैं आर्य समाज की। मैंने आपको बताया आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात में कठियावाड़ में हुआ था। इनका मूल नाम, इनका जो अपना बचपन का नाम था वो था मूल शंकर, और इनके जो गुरु थे वो थे स्वामी बिरजानंद। ओके, अब इन्होंने जो आर्य समाज बनाया, उस आर्य समाज को बनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य ये था कि हम भारतीयों में पाश्चात्य संस्कृति का बहुत ही ज्यादा असर दिखने लग गया था। जब हम किसी भी और संस्कृति के साथ मिक्सअप होने लग जाते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, बात करते हैं, या फिर हम ज्ञान अर्जित करते हैं, तो कई बार हमें हमारे ऊपर एक असर डाल जाती है दूसरी संस्कृतियां। तो पाश्चात्य संस्कृति यानी कि वेस्टर्न कल्चर हमारे ऊपर बहुत ज्यादा असर डालता जा रहा था। तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, आपकी जो संस्कृति है, आपके जो वेद हैं, वो असल में आपके लिए संपूर्ण है, आप उनसे ज्ञान अर्जित कीजिए, और अगर आप उस हिसाब से जिएंगे तो आप एक बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति बन जाएंगे, ठीक है ना, श्रेष्ठतम अपना एक पद ले सकते हैं। ओके, तो इन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि धर्म का पुनः शुद्ध रूप होना चाहिए। धर्म के पुनः शुद्ध रूप का क्या मतलब? अब जैसे हम लोग हैं, हमें अपने धर्म को जिस हिसाब से फॉलो करना चाहिए वो हम नहीं फॉलो करते, क्योंकि हमें हमारे वेदों का, हमें धार्मिक ग्रंथों का मालूम ही नहीं है। तो इन्होंने चेताया, लोगों को जगाया और उनसे कहा कि आपको धर्म के शुद्ध रूप को समझना होगा कि हमारा धर्म आखिर हमसे कहता क्या है। दूसरा, भारत को सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना है। धर्म तो एक अलग चीज हो जाती है, लेकिन जितने भी लोग हैं उनका राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक तौर पर एक दूसरे से जुड़ा रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैं एक एक करके समझाती हूँ। सामाजिक रूप से जुड़ा रहना क्यों जरूरी होता है? COVID-19 हुआ, कोरोना, जिसकी वजह से हम सारे के सारे अपने अपने घरों में लॉकडाउन हो गए। अब इस लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था तो हमारी डगमगा ही गई है, उसको तो हम ठीक कर ही लेंगे, लेकिन जो विचारों का आदान प्रदान था, जो हमारा बाहर जाना था, लोगों को बाहर आना था, कौन किस तरह से काम कर रहा है, तरक्की के मायने क्या होते हैं, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, और जो विचार समाज की कुरीतियों को हटाने के लिए, समाज के विकास के लिए, और बहुत सारी ऐसी जो प्रोडक्टिव बातें थी, ठीक है, वो तो नहीं हो पा रही है। यानी कि एक समाज जो लेबरर्स थे वो अपने गाँव में चले गए, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो अपने सॉफ्टवेयर पे शायद और काम कर रहे होंगे कि हम कैसे अपनी कंपनी को, अपनी फैक्ट्री को, अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाएं। तो कहने का मतलब, सामाजिक तबका जो था, जो पहले अभी जुड़ चुका था, जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो गया था, वो अब अलग अलग हो गया। तो इसका सबका एक सूत्र में बंधे रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है देश को आगे ले जाने के लिए। दूसरा, राजनीतिक और धार्मिक तौर पर भी, आपने आज के परिवेश में अगर हम बात करें तो कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जो धर्म के नाम पे लड़ाई लड़ते हैं।
आप मैं हम जैसे आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता, धर्म के नाम पर हम लड़ाई नहीं करते, अपना अपना धर्म फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ नेता या फिर कुछ शरारती तत्व ऐसे होते हैं जो धर्म के नाम पर लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, आतंक फैलाते हैं, तो वो सब चीजें तब खत्म होंगी जब हमें अपने अपने धर्म का ज्ञान रहेगा। ये मैं आज की बात कर रही हूँ, लेकिन उस समय तो क्योंकि ये पर्टिकुलरली हिंदू धर्म की बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा आप अपने धर्म को जानिए, जब आप अपने धर्म को जानेंगे, अपने समाज से जुड़ेंगे, और राजनीतिक तौर पर यदि आप जानेंगे कि आपका नेता क्या कह रहा है, तो आप देश के विकास में भी भागीदारी देंगे ही देंगे। ठीक है, तो पहला उद्देश्य तो ये था कि धर्म का पुनः शुद्धिकरण कीजिए, यानी कि उसमें जो पाश्चात्य संस्कृति का असर दिख रहा है उससे अपनी संस्कृति को आप बचा के रखिए। ये स्ट्रगल हम आज भी कर रहे हैं। ठीक है, हम कहते हैं ना कि भारतीय संस्कृति को खतरा नहीं होना चाहिए पाश्चात्य संस्कृति से। ओके, तीसरा ये हमने शुरुआत ही इससे की थी, पाश्चात्य प्रभाव को समाप्त करना इनका उद्देश्य था। इसी उद्देश्य में अब अगर ये कहते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति को तो आप हटाइए, तो वो तो एक अलग हो गया कि चलो पाश्चात्य संस्कृति का असर दिखाई दे रहा है, लेकिन जो हमारी खुद की धर्म और धर्म से जुड़ी हुई भावनाएं और धारणाएं हैं उसमें भी बहुत सारी मिलावट आ गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के हिसाब से। जैसे कि ये कहते थे कि भाई मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, वो ब्रह्म समाज में भी आपने पढ़ा था कि अगर ईश्वर सर्वव्यापी है, हर जगह है, तो मूर्ति पूजा आपने क्यों करनी है। दूसरा बहुदेववाद, ये नहीं मानते थे कि बहुत सारे भगवान हैं, बहुत सारे आप ईश्वर को अनेक रूपों में देखें, वो कहते थे कि ईश्वर एकेश्वर, एक ईश्वर है। ठीक है, अक्सर अभी भी हम ये बात सुनते हैं कि ईश्वर का कोई रूप ही नहीं है, वो निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है, वो सर्वव्यापी है, तो ये ऐसा मानते थे कि बहुदेववाद में आपको यकीन नहीं करना चाहिए, और क्योंकि बहुदेव है ही नहीं तो जाहिर है कि अवतार का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो जिन देवताओं की और देवियों की हम पूजा करते हैं कि ये विष्णु के अवतार हैं, राम हो गए, कृष्ण हो गए, ठीक है, मैं नाम लेके आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, तो उस अवतारवाद में भी ये यकीन नहीं करते थे। इसके अलावा पशु बलि के बिल्कुल खिलाफ थे, पशुओं की बलि दी ही नहीं जानी चाहिए, और अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे लगता है कि यदि ईश्वर है और ईश्वर ने ही सबको बनाया है, तो हम सभी यानी कि मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, जीव जंतु जितने भी हैं, जानवर हो, पशु हो, वो सभी ईश्वर के ही तो संतान हैं, तो फिर ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उन्हीं के संतान की, भले ही वो फिर पशु के रूप में क्यों ना हो, उसकी बलि क्यों देनी है। तो इन्होंने पशु बलि का भी विरोध किया। उसके अलावा जंत्र तंत्र मंत्र जितने भी ये धर्म कांड थे, इन्होंने इसका पुरजोर रूप से विरोध किया। ओके, उसके बाद छुआछूत। अब ये देखिए, अगर हम वेदों की बात करें तो हमारी एक मानव जाति पूरी समान थी, कोई ना ब्राह्मण था, कोई ना शूद्र था, कोई भी जाति भेद थे ही नहीं। अब क्या हो गया कि जो बहुत इंटेलिजेंट होता है उसको हम ब्राह्मण की उपाधि दे देते थे कि भाई ये तो ब्राह्मण है, यानी कि ज्ञानी है, ना कि ये कि अब ब्राह्मण के का बेटा ब्राह्मण ही होगा, भले ही उसको कतई भी ज्ञान ना हो, या फिर वो अल्प ज्ञानी हो, या ज्ञानी ही ना हो। तो उस समय क्या होता था कि जिसको जो चॉइस, उसका जो काम करने का मन था वो काम करता था, और उसको उसकी उपाधि दे दी जाती थी। ठीक है, जैसे कि ज्ञानी हो गया तो ब्राह्मण हो गया, किसी को साफ सफाई का काम करना था, किसी को लकड़ी का काम करना था। ठीक है, समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। फिर धीरे 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 क्या हुआ कि ब्राह्मण का बेटा हुआ तो उसने कहा कि नहीं ये ब्राह्मण ही है। तो भैया जन्म से ब्राह्मण क्यों हो गए तुम, ऐसा क्या पा लिया आपने, क्या ज्ञान है आपके पास? हाँ, अगर आपके पास ज्ञान है, आप ज्ञानी है, तो आप ब्राह्मण कहलाए जाएंगे, यानी कि वो एक उपाधि है जो आपको दी जाएगी। लेकिन जन्म के आधार पर जाति प्रथा का इन्होंने पुरजोर रूप से आलोचना की, और करनी भी चाहिए। अब कोई भी व्यक्ति जो सफाई का काम करता है उसका पुत्र तो जीवन भर इसी प्रताड़ित होता रहेगा। आपको मालूम ही है, अगर आप पुरानी फिल्म्स भी देख लें तब भी आपको पता चल जाएगा कि छुआछूत कितना बुरा एक ट्रेडिशन सा लोगों ने बना लिया था और उसको फॉलो करते थे, जबकि वेदों में ऐसा कुछ है ही नहीं कहीं से कहीं तक। इसीलिए इन्होंने कहा कि वेदों की ओर चलो, ये इनका नारा था, वेदों की ओर चलो, भारत भारतीयों के लिए, ये भी इनका ही नारा था। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा आर्य समाज के बारे में, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और आगे बढ़ते हैं, एक बार रिव्यू ले लेते हैं। हम बात कर रहे हैं आर्य समाज की, मैंने आपको आर्य समाज का बना वो बताना भूल गया, आई एम सॉरी, 1875 में बंबई में इसकी स्थापना की थी। ओके, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। हम आज बात कर रहे हैं आर्य समाज की, स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, इनका जन्म हुआ था 1824 में
गुजरात के कठियावाड़ में, इनका बचपन का नाम मूल शंकर था, इनके गुरुजी का नाम क्या था, स्वामी बिरजानंद, और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में बंबई में की थी। ठीक है, किस उद्देश्य के साथ की थी, एक बार सिलसिलेवार तरीके से ले लेते हैं। पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बहुत हो गया था, तो उससे छुटकारा पाना था, पाश्चात्य प्रभाव को समाप्त करना था, क्योंकि पाश्चात्य सभा का सॉरी पाश्चात्य धर्म का हमारे धर्म में बहुत इंटरफेरेंस हो गया था, प्रभाव पड़ रहा था। इसीलिए उन्होंने कहा कि धर्म को पुनः शुद्ध रूप में लेकर आना है, ये हमारा उद्देश्य है। तीसरा, भारत को सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक तौर से एक सूत्र में बांधना इनका उद्देश्य था। और उसी उद्देश्य में यदि ये केवल हिंदू धर्म की बात करते तो उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में जो चीजें आप फॉलो कर रहे हैं, जो रिवाज आप फॉलो करते चले जा रहे हैं, उसमें इनके हिसाब से कुछ जो गलत रिवाज थे, इनके हिसाब से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हर एक का अपना अलग अलग मत था, जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स समाज सुधारक आए थे, तो इन्होंने कहा कि भाई मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, पशु की बलि नहीं देनी चाहिए, बहुदेव नहीं होते हैं, अवतार नहीं होते हैं, जंत्र तंत्र मंत्र ये सब झूठे कर्मकांड है, इनकी आलोचना इन्होंने की। उसके बाद छुआछूत और जन्म के आधार पर ये जो जाति भेद किया जाता है ना, इसकी भी इन्होंने आलोचना की। बहुत ही प्यारी बातें इन्होंने कही, और इन्होंने कहा कि भारत भारतीयों के लिए है और आप भारतीयों को अपने वेदों का अध्ययन करना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आपके वेदों में कितनी प्यारी बातें लिखी गई हैं हर एक व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति को व्यक्ति से भेद ही नहीं करने देती। इसलिए उन्होंने बोला वेदों की ओर चलो। ठीक है, तो वेदों की ओर चलो और भारत भारतीयों के लिए, ये इनके मूल नारे थे जो इन्होंने लगाए। ओके, अब जब हम कोई बात कहते हैं तो हमारे फॉलोवर्स भी हो जाते हैं ना, और कुछ हमारे ऐसे फॉलोवर्स होते हैं जो हमारा अनुसरण करते हैं, यानी कि हम जो कहेंगे वो उसको अनुसरण करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। ओके, इनके बहुत सारे अनुयायी थे, लेकिन उसमें से दो अनुयायी बहुत ही अहम थे, उनके बारे में सुन लीजिए, सिर्फ सुन लीजिए, मैं याद करवा दूंगी अच्छे से, सुन लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है, तो अनुयायी कौन थे, लाला हंसराज जी ने ही दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज यानी कि DAV की स्थापना की थी। कहाँ स्थापना की थी, लाहौर में। अब लाहौर हमारे पास नहीं है, पाकिस्तान में है, लेकिन इन्होंने लाहौर में 1886 में 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज DAV की स्थापना की थी। इनके दूसरे अनुयायी, प्रमुख अनुयायी की बात कर रही हूँ, दूसरे अनुयायी थे स्वामी श्रद्धानंद। इन्होंने हरिद्वार में एक जगह है ना कांगड़ी, आपने नाम सुना होगा, कई बार आपने नाम सुना होगा, तो हरिद्वार के कांगड़ी में इन्होंने 1902 में गुरुकुल की स्थापना की थी। ओके, इतना आपको समझ में आया। और एक बात समझ लीजिए कि मैंने ये तो आपको बताया ही है कि स्वामी दयानंद ने सबसे पहले स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया, हिंदी को राष्ट्रभाषा के तौर पर इन्होंने स्वीकार किया, और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करो ये भी इन्होंने नारा लिया। जैसे आज हम चाइनीज ऐप्स को हटा रहे हैं ना, रिमूव कर रही है गवर्नमेंट, पर हम खुश हो रहे हैं ना इस फैसले पे, तो क्योंकि ये जरूरी कदम है, ऐसे ही पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हमारी संस्कृति पर ना आए। और ऑब्वियसली अगर हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे तो हमारे देश की वृद्धि होगी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बढ़ता है, कारोबार बढ़ता है, उस पर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये इनके मुख्य लक्ष्य थे, और ये इन्होंने सर्वप्रथम, सबसे पहले अगर आपसे कहा जाए कि किसने बहिष्कार किया विदेशी शब्दों चीजों का, किसने स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया, किसने हिंदी को राष्ट्रभाषा के तौर पर स्वीकारा, तो आप कहेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी, क्योंकि हिंदी को इन्होंने राष्ट्रभाषा के तौर पर सर्वप्रथम अपनाया, इन्होंने अपनी जितनी भी धारणाएं हैं, सारी की सारी बातें इन्होंने अपनी एक रचना में, जिसको सत्यार्थ प्रकाश के नाम से जाना जाता है, उसमें संलग्न की है। इनके काम की वजह से ही इनको भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है, क्योंकि ये इतने ज्यादा परिवर्तन लेकर आए और सुधार लेकर आए हमारे समाज में, इसलिए इनको भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत का मार्टिन लूथर किंग कौन है, तो आप क्या बोलेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती। समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि इसको याद कैसे करना है, छोटा छोटा सा पोर्शन है जो मैं आपको बता दूंगी, वैसे तो पूरा का पूरा आसानी है। चलो, हम बात किसी कर रहे हैं, आर्य समाज की। आर्य समाज से स्वामी दयानंद सरस्वती तो याद रहेंगे ही ना। अच्छा, स्वामी दयानंद सरस्वती, सरस्वती माँ सरस्वती है ना। अब आप ये मत सोचिएगा कि हर बार मैं किसी ना किसी देवी देवता का नाम क्यों ले लेती हूँ। असल में पुराने लोग नाम ही इतने प्यारे रखते थे कि वो कहीं ना कहीं देवी देवताओं के ही नाम होते थे।
अब एक छोटी सी बात बताऊं, पुराने टाइम में जब नाम रखे जाते थे ना, तो ये भी ध्यान रखा जाता था कि इसके अंदर गुड़ भी उन्हीं के आए हैं, ठीक है ना। चलिए हम बात कर रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की। अच्छा सरस्वती है तो सरस्वती तो ज्ञान की देवी ही है ना, ज्ञान की देवी है तो जितना भी हमारे पास ज्ञान आता है वो धर्म को पढ़कर आए, राजनीति को पढ़कर आए, समाज को पढ़कर आए, किताबों के जरिए भी और वैसे भी, तो वो सारा का सारा सरस्वती जी से ही जुड़ा होता है, सारा ज्ञान सरस्वती जी से जुड़ा होता है। अब क्योंकि सरस्वती जी है और सरस्वती जी का वाहन कौन है, हंस है ना, इसीलिए इनके जो मुख्य अनुयायी थे उसमें थे लाला हंसराज, याद रहेगा ना, लाला हंसराज, माँ सरस्वती जी का वाहन हंस है तो लाला हंसराज। और क्योंकि माँ सरस्वती ज्ञान की सरस्वती है, इनकी हर कॉलेज हर एक स्कूल में मूर्ति भी स्थापित की जाती है, रखी जाती है, पूजा भी की जाती है ना, इसीलिए इनके, क्योंकि हमारी इनके प्रति श्रद्धा है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जो दूसरे अनुयायी हैं वो है स्वामी श्रद्धानंद, याद रहेगा स्वामी श्रद्धानंद। अच्छा जब श्रद्धा है हमारे अंदर, बहुत श्रद्धा होती है तो हम धामों की यात्रा करते हैं और हरिद्वार हम जरूर जाते हैं, तो याद रखिएगा कि जब आपके पास श्रद्धा होती है तो आप हरिद्वार जाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि चलो गंगा नहाकर आते हैं, मंदिर के दर्शन करके आते हैं, है ना। तो श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद ने कांगड़ी में हरिद्वार में गुरुकुल की स्थापना की, ठीक है, और लाला हंसराज ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की लाहौर में 1886 में। ओके बाकी ये जो चीजें हैं आपको एक सूत्र में मिलाकर याद रखनी पड़ेगी, याद रखिएगा, ये मूर्ति पूजा में यकीन नहीं करते थे, अब मूर्ति पूजा में भी यकीन नहीं करते हैं, तो बहुत सारे देवता हैं ऐसा भी यकीन नहीं करेंगे, अवतार हैं ऐसा भी यकीन नहीं करेंगे, पशु बलि है तो बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे, और अगर ये मूर्ति और बाकी चीजों में यकीन नहीं करते तो जंत्र तंत्र मंत्र इसमें भी यकीन नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक, सारे पॉइंट्स मेरे ख्याल से कवर हो गए हैं, अगर कुछ छूट जाता है तो मुझे बता दीजिएगा और किताब से जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इसको रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था आर्य समाज वो खत्म होता है, अगली बार अपन जब मिलेंगे ना, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी, ऐसा सपना देखिए और दृढ़ता से बढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।